छोटा शेर रिवील होगा अकेला ना। पहले तो डिसीजन शादी का नहीं था इसका, अभी सो रहा है। तो हमारा आज का वीडियो यहाँ से शुरू होता है। आज बहुत स्पेशल दिन है, हमने बहुत दिनों पहले बोला था कि जो हमारा भांजा है उसका चेहरा रिवील करेंगे, तो बीच में मौका नहीं मिल पाया और आज हमें फाइनली मौका मिल चुका है। और जो प्यारा सा बच्चा है वो अभी आसपास ही है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। बच्चा भाई संभाल में आ गया, बच्चे देखे। चुप हो गया आपके पास? हाँ चुप हो गया, इनके गोद में जाते ही चुप हो गया। तो जैसा कि आप लोग भी मानते हो कि हम लोग के बीच में सबसे फनीएस्ट ये है, तो अभी कुछ बहुत ही जबरदस्त धमाका होने वाला है। फनीएस्ट इसलिए है क्योंकि ये लड़की, इस लड़की का चेहरा देखते ही हंसी आ जाता है। अरे समझ रहे हो, कुछ नहीं है, बात कुछ नहीं है, बस चेहरा देखते ही हंसी आ जाता है बिना मतलब। इसके बेटे का भी यही हाल है। अब इसके बेटे का भी यही हो गया यार, हम लोग बताओ, हम लोग सोचते थे इंटरव्यू तक सीमित रहेगा। रुको वो बनाना लेके आता हूँ, जो अभी तक अनिता दीदी ने नहीं खाया है वो बनाना लेके आते हैं। इसने पहले ही वीडियो देख लिया यार। तेरे बेटे पे ट्राई करते हैं बाबू इधर। अरे ना ना यार, बच्चा इतना बड़ा नहीं पाएगा, उसका फेस वेयर कर रहा है प्यार से अभी। पागल हो गया, उसके हाथ में देने जा रहा हूँ मैं, इतना वो नहीं हूँ, इतना बड़ा भी नहीं हुआ है। बिलावर जी का भी चाय है ना? नहीं नहीं, रहने दो फिर, बच्चे को ये गंदा सनोवर है। ये किसका है? किसका है वो? हम समझे बेसी हो गया। कोई नहीं, तुम पी लो, तुम पी लो, पियो पियो, पीने बात तो गाली ही देने वाली हो। पियो एक बार, पी रहे नहीं, गाली तो नहीं देंगे। अच्छा अदरक नहीं, वो अच्छा लग रहा है इंटरव्यू को, अदरक दिए हैं जा रे दादा, काय का दिला तो हमको काय दियो जब अदरक नहीं डाले। अदरक डाले, चलिए वो सस्पेंड में दिखा दे, इतना बड़का अदरक दे। अनिता दी को पता है आपको, इनको चाहिए इतना अदरक, अब की बार उझल के दे देते हैं, चूर के जा दे। सारा इसको निकालेंगे हम बहुत जल्दी, हम कुक के लिए तलाश कर रहे हैं, अगर कोई कहीं ना जाए। तो इस छोटे से बच्चे को कब से घुमाया जा रहा है और चारों तरफ भ्रमण कराया जा रहा है। अबे तू दूर दूर से दिखाने को कब दिखाएगा? मैं मेरे गोद में रख के दिखाऊंगा भाई, मैं मेरे गोद में रख के, तो इन लोगों की गोद में नहीं दिखा सकता ना। गाली सुनेगा पब्लिक से, नहीं मेरे गाली देना, ये कब से लेके ऐसे ही दूर दूर से दिखाया जा रहा है और इंतजार कर रहा है कि मेरे गोद में आएगा तो दिखाओ। अंटी दी के गोद में रख के दिखाओ, माँ के गोद से अच्छा क्या होगा यार? नहीं मामा गोद से अच्छा कुछ नहीं, छोड़ दो, हम सोना चाहते हैं टांग पसार के पूरे बेड पे, सो ही नहीं है। पहले इनका लाइफ यहाँ पे होगा, वो था सही था तो इनको दिक्कत लग रहा था है। अब शादी कर लेना चाहिए, पहले तो डिसीजन शादी का नहीं था इसका, और अब शादी का डिसीजन लिया, अब उसमें भी दिक्कत हो गया, अब इसको सोना है, अब एक बच्चा हो गया, उसको करिए, अब मुझे पसार के सोना है जिंदगी में। हमको एक दिन एक रात चाहिए, खूब सोना, खूब सोए, रह जाओ फिर यहीं पे। रुला दिया, रुला दिया उसको। वहाँ पे देखो अपने ज़मीन का पूजा हो रहा है, क्योंकि नया स्टूडियो बनने वाला है ना, ये तो आपको खबर है पहले से ही, तो कब से पूजा हो रहा है और इसी पूजा को अटेंड करने के लिए अनिता दीदी भी आई है। तो काफ़ी दिन पहले ही, आज से लगभग डेढ़ या दो या तीन महीने पहले लगभग हमने, हाँ तीन महीने से भी ज़्यादा हो गया आई थिंक, तीन महीने पहले हमने बोला था कि इसका फेस रिवील करेंगे, और उस टाइम से ही बहुत लोग वेट कर रहे हैं। बहुत लोगों ने बोला भी था कि आप लोग भूल गए क्या फेस रिवील करना ऐसा करके, तो भूले नहीं हैं, अभी चलो और अब करते हैं फेस रिवील। तो फाइनली वो वक्त आ चुका है जब छोटा शेर रिवील होगा। छोटा शेर का फेस दिख गया, छोटा शेर का फेस दिख गया, छोटा शेर रुक नहीं, बाल इधर छोड़ दिखाओ, यार पूरा चेहरा मैं दिखाऊंगा, अब मेरे को आते रोई तो नहीं लगेगा, पकड़ो ठीक से, चलो अब आ गया शिवम, अब इधर देखो जल्दी जल्दी, अब बोलो, अब जल्दी जल्दी दिखाओ, बोले थे ना कि अपने गोद में दिखाएंगे। बस हो गया, आप मच गया, हम जानते थे तुम्हारे गोद में जाते ही रोएगा ये भाई, जब से आया है शिवम के गोद में एक बार नहीं गया है ये, आते आते सबसे पहले मेरे गोद में आया था। तो आते आते आया था ना,
एक बार सब लोग मिल के बाबू के साथ में हाय कर दो। अरे 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 हेलो कर रहा है, हेलो कर रहा है, हेलो हेलो हेलो। अरे 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 क्या 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 चिल्लाओ मत यार, चिल्लाओ। अरे क्या, अरे इधर लेके चल, इधर इधर बाहर लेके चल, अंदर में नहीं, धूप में नहीं, धूप में नहीं, तो छाए में लेके चलो ना, अंदर में बच्चा लोग है, आओ। गुस्से में है बच्चा, देखो भी चुप ना रहे, अभी एकदम उसमें है, पूरा नींद में बेचारे बच्चे का, इतना पूछे माँ पीछे पीछे चल रहे हैं। अरे अंतर जी को उठाया गया है, अंतर जी को कोई पूछ लो, पीछे पीछे घूम रही है। हम टांगे हैं ना। अरे बाप रे, कैसे बैठा हुआ है। वेलकम टू पांडे फैमिली ब्लॉग। नहीं मेरा वेलकम करो पांडे फैमिली ब्लॉग। रुक शुम लो, ऐसे ले सकते हो ना भैया, ये रोएगा मेरे गोद में आते ही। ऐसे करना, रुक रुक। बोम्बू यहाँ से दिखाएगा, तेरा चेहरा एक अलग अलग, राइट प्रोफाइल लेफ्ट प्रोफाइल सब दिखाया जा रहा है। ला ला ला, सारा प्रोफाइल मॉडल लॉन्च हो रहा है ना हमारे शो में। जब से पैदा हुआ बच्चा आया नहीं है भाई। भाई कितने छोटे छोटे पैर हैं यार इसके। इसको आज नहलाया जाएगा नानी के घर पे पहली बार। सर से नहीं नहाया है, डर से। ठंडा ठंडा था ना उस टाइम। चलो मौसी लोग मिलके नहलाएंगी, और क्या नहलाओगे क्या तुम लोग यहाँ पे? आज ये पहली बार इसका नहलाना होगा। नहलाने के लिए चांदी का तो टब होना चाहिए, ऐसा प्लास्टिक के टब में नहलाओगी? कोई बात नहीं, हमला दें। मिट्टी के टब से ज्यादा अच्छा क्या होगा, है ना? नहा तो सही, मतलब गाय के नाद में नहलाओगी। इधर देखो यहाँ भी चालू हो गई क्या, मुझसे कह रही है कि नहला दे भाई। मुझे बच्चा पालने का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। अंजलि का बस चले ना तो ये अपने एक महीने का कपड़ा इकट्ठा करके और फोन करके बोले आके धो दे। ना, इस बार मैंने सोचा है कि मैं इसी लड़के को पटाके भागूंगी, समझे? लेके यस, बस 6-7 महीने बाद तो ये मुझे पहचानने लगेगा। हाँ पकड़ो। इतना धूप में, इतना खुले आसमान में पहली बार घूम रहे ना ये? पहली बार निकला ही है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज है। Hello, मतलब लोग शहर में, गांव में, इधर उधर घूमते फिरते अपने बच्चों को लेके। हाँ तो ऐसे हाथ दो। इसके पहले भी आया था तो बिल्कुल इधर कवर था यार, तनी घूमती घूमती इनकी, चलो आ जा। चुप रहो ना यार, तुम्हारा भोजपुरी बोलने का आदत बीच में आज तक नहीं गया। हाँ इसका आज तक खत्म नहीं हुआ। बीच बीच में बोलते रहती है। अबे तुम्हारी मम्मी एकदम कॉमेडी है, तुमसे बड़ी कॉमेडी, पता है तुमको? दाढ़ी नोच रहा है मेरा, ले नोच। दाढ़ी नोचना, वैसे भी बच्चे को बकायदा 6 महीने बाद ही घर से बाहर निकलना चाहिए। हाँ। बेचारा पहले निकल गया बस। हाँ अभी तो 6 महीने का हुआ नहीं है। हाँ लेकिन मॉडर्न जमाने के बच्चे के हिसाब से ये पहली बार निकला है तो ये ज्यादा सही। ये 3 महीने का 4 महीने का हो गया, 3 महीने का। हाँ 4 महीने का है। हाँ 4 महीने का है, मतलब फेस रिवील का बात लगभग 4 महीना पहले ही हुआ था, है ना? क्या जब पैदा हुआ था तो हमारे जीवन में तूफान लग, ये जिस दिन हमारे गाड़ी का टायर फटा था उस दिन यही पैदा हुआ था। पैदा होने से पहले, हाँ वो जो मैं जब ड्राइव करके जा रहा था गाड़ी का ब्लास्ट किया था, जो काय अब आगे में हाईवे के साइड में जो लगा हुआ था अभी से, वो 4-3 महीने पहले की वीडियो में, वो 4 महीना पहले। यूट्यूब से नहीं, पागल हो क्या? बहुत डेंजरस है वो, प्यार से मिलेगा। ना 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 ना, वो प्यार से कैसे मिलेगा? बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं मिलेगा प्यार से, नहीं वो बजा देगा पूरा। नहीं बजाएगा कुछ नहीं, उसको पता नहीं है क्या कि बच्चा आया घर में। चल अब बहुत रोशनी खा लिए, चल अंदर अंदर चलो अंदर। अरे लेके मत जाओ ना, क्या प्रॉब्लम हो गया, बार बार लेके जा रही है अंदर। अरे जब तक नहीं रो रहा है तो बाहर रखो ना, घुमाओ ना यार, वो कभी बाहर नहीं निकला है घर से यार। नहीं दिखाना चाहिए ज्यादा धूप भाई, क्या हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है धूप दिखाने से? दिक्कत होता है 6 महीने तक कम से कम। अरे कोई दिक्कत नहीं होता है, तो अभी कब से हम लोग इसी बच्चे के साथ घूमने जा रहे हैं, धूप में फिर लेके आ गई। अभी मना किया था ना धूप में लाने से। कौन मना किया है, हा? हम लोग से ज्यादा जानते हो बच्चा पालते कैसे हैं। अरे बाप रे बाप, धूप ये बढ़िया धूप है, अभी लू नहीं चल रहा है और ये धूप बच्चे को मिलना चाहिए, बच्चे को मिलना चाहिए। बाप रे बाप, ये तो गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए। तो अरे जा धूप में, नहीं धूप में नहीं, इधर भी नहीं, इतना भी धूप में मत घुमाओ दादी, देखो। अरे क्या सीन है ना, बड़ों बड़ों सब बड़ों को दिखाना होता है बच्चों को, तो सबको घूम घूम के दिखा रही है ये लड़की तो? और ये चुपचाप सो रहा है, चुपचाप। मैं मना कर रहा हूँ रोशनी में घुमाने को, फिर भी ये घुमा रही है। अभी भी हमारे घर में पूजा चल रही है, चला सकते हैं। अरे पागल कैसे मत हम बोलो, इसको लेकर के दौड़ भी सकते हैं, ये हिलेगा भी नहीं।
क्यों तुम्हारे अंदर गिम्बल लगा हुआ है? थोड़ी देर पहले कैसे चिंगाड़ रहा था अभी क्या तो चुप कर कराया हम ही ना। अच्छा उल्टा और भड़का ही दिया था इसको। रीता तो है नहीं। अरे अरे मत जा भाई गोबर ओबर में। उसका सिर बाहर निकला हुआ है और उसको बचा के चले जा रही हो कहीं भी। गोबर का कीमत उनसे सीखो जो एक भैया है गोबर खाते हैं। चलो क्या बोल रही है कौन गोबर खाता है? अरे इसका पोज देखो कैसे लेटा हुआ है पोज देखो। हाँ दिला रहा है फिर से इसने हाय की थी। हाय कर रहा है देख हाय कर रहा है हाय कर ऐसे ऐसे हाय कर हाय करो हाय 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 कर रहे हेलो हाय हेलो 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 हाय नहीं नहीं जबरदस्ती मत करो उसको जबरदस्ती बड़े परेशान हो जाते हैं दूध इसे बच्चों को कर रही हो। अरे बाप रे हंसा उनको पता है तुम बहुत शांति सुकून है। हाँ हंसने बेटा अभी हंसा था जबरदस्त वाला हंस दे। अच्छा ठीक है नहीं इरिटेट होगी एक बार हंस दो। पर सारे बच्चों का ये जो साउंड है ना वाला सब बच्चों का एक ही जैसा होता है। मतलब इसी एज के बच्चे जो है ना उन सब का साउंड एक ही होता है एक ही। देखो बोलो चुप मामा चुप। हाँ बोलो चुप मामा चुप नहीं गली गंदी बात आए एक्चुअली में हमारे साथ होता क्या आया है हमने जब भी कुछ करने को बोला जैसे कि हमारा फेस रिवील करने का प्लान बहुत पहले था आप लोग ने नोटिस किया होगा मतलब आप तो हों ही 4-5 महीने पहले तो का आपने वीडियो देखा ही होगा तो काफ़ी पहले हमारा प्लान था फेस रिवील का। लेकिन फिर बीच में हम लोग कहीं चले गए मैं चला गया मैं मलेशिया चला गया था और फिर घर पर भी पता नहीं कुछ कुछ तो हुआ है जो मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ तो ऐसा रीज़न था जो हम लोग फेस रिवील नहीं कर पाए थे और आज फाइनली ये हुआ। और इसके पहले भी हमने बहुत कुछ बोला मैंने बहुत कुछ बोला करने को और किया नहीं जैसे कि मैंने बोला था गाना भी डालूंगा वो भी डाला नहीं तो समझ नहीं आ रहा यार कि अब कुछ करने से पहले वीडियो में बोलना ठीक होगा या फिर वीडियो में डायरेक्ट कर देना सही होगा तो इस तरह का क्योंकि फिर आप लोगों का भी भरोसा जम नहीं पाता है हमारे ऊपर कि हमने कुछ बोला है करने को तो करेंगे या नहीं इस बात का भरोसा आपको नहीं होगा। तो इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि हमने जितना कुछ भी बोला है मैंने जितना कुछ भी बोला है करने को वो सब वन बाय वन करके कर देते हैं। तो मैं गाना भी बहुत जल्दी डालूंगा अभी डेट तो नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ना एक और क्लिप रिकॉर्ड करना है जो अभी तक हो नहीं पाया है तो जैसे ही वो होगा वैसे ही मैं डाल दूंगा। हाय 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 इस गिट्टी पे सोने में बहुत मज़ा आ रहा है। और बाकी आप लोग आज के वीडियो पे दबा के कमेंट करना क्योंकि भांजे का एंट्री हुआ है तो आज थोड़ा सा स्पेशल कमेंट आना चाहिए। और अभी लगभग 3 घंटे से पूजा वहाँ पे चल रहा है और पूजा करने के लिए ना काफ़ी बड़ा सा एक गड्ढा वो किया गया है पिलर बनाने के लिए। वो पता है गड्ढा मेरे हाइट से भी ज़्यादा लंबा है 7 फीट का गड्ढा है तो वो बहुत डेंजर गड्ढा है। मैंने सोचा था मैं खुद घुसूंगा उस गड्ढे में लेकिन उस गड्ढे का ना चौड़ाई थोड़ा सा कम है उसका विड्थ जो है ना मतलब ओवरऑल सर्कल वो कम है तो मैं घुस नहीं सकता नहीं तो मैं पक्का उसमें घुस के दिखाता। और उसी गड्ढे को देखते देखते मेरे दिमाग में कुछ आइडिया भी आया है जिस आइडिया को मैं अभी इम्प्लांट करने वाला हूँ आने वाले वीडियोस में। पीछे पूजा हो रहा है और पापा बैठे हुए हैं साथ ही साथ पंडित जी बैठे हुए हैं तो वो मैं आपको पूरा दिखा नहीं सकता तो थोड़ा सा दिखाया। काफ़ी देर से अभी भी पूजा वगैरह चल ही रहा है अभी शायद और लंबा चलने वाला है क्योंकि ये भूमि पूजन ऐसा कुछ होता है तो वो हो रहा है। अभी मैं काफ़ी टाइम से इधर ही बस घूम रहा हूँ इंतज़ार कर रहा हूँ जल्दी से पूजा कंप्लीट हो जाए। ये देखो छोटा है जो है अभी सो रहा है पूरा नींद से सो गया। अरे वाह तो अभी तक हम लोगों ने ये रिवील नहीं किया है कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है अवधेश। आप लोग क्या कहते हैं आप लोगों का क्या विचार है अवधेश ठीक है सच में यार ये नाम तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना लेकिन यार हम बता रहे हैं नाम का एक महीना सीरीज
चलेगा। पब्लिक अपने अपने हिसाब से नाम देगी और उसमें जो सबसे नमूना नाम होगा वो रखा जाएगा। एक मिनट रुको, हम ना पब्लिक को कुछ याद दिलाना चाहते, शिवम आप लोगों को पहले हमेशा बोलता था कि अजीत का चेहरा देखते ही हंसी आ जाता है, लेकिन ठीक है उतना तक पहले जो था, जब पहले वीडियो में अंता दी थी तो वो उतना तक ठीक था, ठीक है। लेकिन आज जो बाबू को देखे ना हम, पहले अंता दी को देखने के बाद हम लोग एक मिनट डेढ़ मिनट तक नॉर्मली हंसते थे। हाँ सही में अंता दी, नहीं वो तो बहुत प्यारा है। हाँ अनिता दी कॉमेडियन है वो, नहीं अभी लग रहा है। अरे ये बड़ा होने के बाद पता चलेगा ना ये कॉमेडियन है। बड़ा होने के बाद मैं अभी की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे अंता दी थी, आज बच्चा जो है लग रहा है अंता दी का ट्रिपला जाएगा, वो डबल नहीं, ठीक है। नहीं वो तो देखने की बात है, वक्त के बाद। इसके नाम से शुरुआत करते हैं, इसलिए हमने सोचा है कि इसका नाम अवधेश रखेंगे। हाँ नाम ही कॉमेडी रहेगा तो आदमी सोच कितना कॉमेडी बन जाएगा, ठीक है। मतलब अवधेश नाम कॉमेडी है। अरे मेरे स्कूल में एक अवधेश सर थे, कितना हिट्टा उनका काट दे रही है। हम नाम किससे सोच के, ये बात शिवम एक्सप्लेन कर सकता है, अवधेश किसका नाम था याद नहीं, कौन टीचर है यार? नहीं मेरे जब गुड़गांव में पढ़ता था तब। चलो अवधेश था, अरे हाँ होम्योपैथिक से रिलेटेड है, इतना समझ गया। एक कंपाउंडर था भाई, उसका नाम हमको इतना पसंद आया था ना, अवधेश। एक का और नाम था हम बता रहे हैं, रघुवर। रघुवर ये दोनों नाम, और तीसरा तो खैर बबलू। बबलू तो मेरे मन में है, बबलू तो इसको तो मैं बड़ा होने के बाद बबलू नाम से ही बुलाऊंगा। तो हमारा जो भी पूजा हुआ है उसका आरती आ चुका है यहाँ पे, हम ले लेते हैं आरती और आप भी ले लीजिए। अरे यार नहाए नहीं है, कथा हो गया। नहीं बिना नहाए भी ले सकते हो, ले लो। अबे कितना बार आरती लोगे भाई, दोबारे क्यों ले रहे हो? क्योंकि पैसा नहीं डाला था ना। तो पैसा नहीं डाले थे तो क्या हुआ? पैसा डालने से क्या आरती पूरा होता है क्या? ऐसा है तो बताओ, मैं भी डालूंगा पैसा। नहीं नहीं देखा मैंने, लोग डालते हैं पूजा दे। अरे वो लोग इसलिए डालते हैं ना क्योंकि पंडित जी जो हैं वो उनके मन से सही वो निकले, आशीर्वाद के फॉर्म में सही शब्द निकले सामने वाले के लिए। कुछ भी बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही होता है। पैसा डालने का रीजन क्या है वो हमको पता नहीं है, पैसा लक्ष्मी होता है, इसमें भी कुछ कनेक्शन होगा। पंडित जी के लिए डाला जाता है पैसा। तो इसके हाथ से ना पैसा हम लोग दादी को दिलवाने वाले हैं, कहते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। आशीर्वाद नहीं ऐसी ही, अगर इस बच्चे का नाम हम लोगों ने अवधेश रख दिया ना तो ये बड़ा होने के बाद हमसे बदला ले सकता है, इसलिए नाम रखने का रिस्क हम लोग नहीं लेंगे। अनिता दीदी ने शायद इसका नाम पहले से भी रख दिया है या फिर अभी कंफर्म नहीं है नाम, तो इसके बारे में हमको पता नहीं है कि इसका नाम कन्फर्म है या नहीं। बाकी आपको हमारा भांजा कैसा लगा बता दीजिएगा, और जितना भी कुछ मैंने बोला है वो धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। आ रहा हूँ। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। आपसे मिलते हैं दोबारा कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।